ख्वातीन हज़रात, इस वक्त हम एयर स्पेस म्यूजियम में हैं और ये म्यूजियम एयर स्पेस म्यूजियम जैसा कि नाम है, यहाँ पे अपोलो ग्यारह जो कि चांद पे पहली मर्तबा गया था वो यहाँ रखा हुआ है। इस वक्त मैं एमएस सुहेल बट्टी के साथ हूँ, ये हमारे जापानी लैंग्वेज के, ये देखें जहाज गुजर रहा है यहाँ से, यहाँ एयरपोर्ट भी डल्लस एयरपोर्ट करीबी है। और सुहेल भट्टी हैं हमारे जो हमारे साथ जैपनीज लैंग्वेज सीखा करते थे और ये यहाँ पे अमेरिका में इस वक्त पिछले 8-10 साल से मुकीम है, यहाँ के नेशनल हैं। ये हमें स्पेस म्यूजियम दिखाने के लिए लेके आए हैं। ये एयर स्पेस म्यूजियम का मेन गेट है और ये एक मोनूमेंट लगा हुआ है, अगर ये देखिएगा एक मोनूमेंट। सेंट जॉन सफर 2003 का शायद ये इनॉग्रेट किया होगा उन्होंने। अच्छा, यहाँ पे इस पे देखें आप कॉइन सिक्के पड़े हुए देख रहे होंगे, जो सिक्के हैं ना लोग विश करते हैं और इसमें सिक्के डालते हैं। और स्पेस म्यूजियम का मेन गेट, लोग काफी बड़े रकबे पर मोहित है ये। और ये एमएस सुहेल भट्टी किसी से बात करते हुए, इस वक्त स्पेस म्यूजियम में हूँ मैं और हम ये अंदर की तरफ, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये मेन गेट है, इसका काफी बड़े एरिया पे ये फैला हुआ है और बहुत ही खूबसूरत एरिया है, बड़ा ग्रीनरी है और लैंडस्केप बहुत अच्छे हैं यहाँ के। अब देखें इसमें दाखिल होते हैं हमें क्या नजर आता है, हम आपको दिखाएंगे। शुक्रिया। ये देखें इसमें सुनिए, स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन नेशनल एयर स्पेस म्यूजियम। भट्टी साहब, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? म्यूजियम आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं अभी मेरे साथ या इससे पहले देख चुके हैं? जी बोले, मैं पहले आ चुका हूँ। अच्छा, बोइंग एविएशन हैंगर है ये, यहाँ पे आपको मुख्तलिफ जहाज जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूज हुए हैं और वो नजर आएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो जहाज यूज हुए हैं, ये यहाँ पे, ओ माय गॉड, ये जहाज आप देख रहे हैं। बहुत सारे स्कूल के बच्चे आए हैं यहाँ पे विजिट करने के लिए और देखिए मुख्तलिफ हैंगर्स में मुख्तलिफ जहाज लटके हुए और ये मुख्तलिफ पीरियड में है, ये जहाज जो है ना इस्तेमाल होते रहे, जैसे सामने वाला सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इस्तेमाल होता रहा है। ब्यूटिफुल। वंडरफुल। ये सारे जो जहाज आप देख रहे हैं ये तकरीबन मुख्तलिफ पीरियड में गवर्नमेंट के इस्तेमाल में रहे हैं और ये देखिए बहुत ही ह्यूज और बहुत बड़ा म्यूजियम है। अरे देख, मुख्तलिफ द्वार के, तो ये देखिए बहुत ही जबरदस्त
नज़ारे, बहुत बड़ा म्यूजियम है। आप ये देखें, बहुत ही बड़ा म्यूजियम है। ये देखें आप, पूरे हेलीकॉप्टर्स मुख्तलिफ अदवार के यहाँ खड़े हैं, प्रजर्व कर दिए इन्होंने, जैसे पाकिस्तान में पीएफ म्यूजियम है इस तरह से यहाँ पे भी ये म्यूजियम है। ये जहाज के पार्ट्स वगैरह, बल्कि इंजन और ये डमीज लगे हुए हैं, देखें आप पर, बहुत बड़ा म्यूजियम है। Lovely. जो आप देख रहे हैं ये 9/11 पे जो एयरक्राफ्ट ने अटैक किया था उसके ये एयरक्राफ्ट के पीसेस हैं जो उन्होंने यहाँ म्यूजियम में रख दिए हैं। ये देखिए, ये वो पीस, वो जहाज जो टकराया था उसका पीस है, और ये ना ये वो बिल्डिंग है जिसमें अटैक होते वक्त इस इसके इन्होंने टुकड़े फाइंड आउट किए और ये म्यूजियम में रखे हैं इन्होंने। देखने से ताल्लुक, हाँ, ये जहाज का कोई खास हिस्सा होगा जो ये सालिमी ने मिल गया, और ये वो पीस बहुत ही उम्दा इन्होंने। जेम्स मैकडोनल्ड स्पेस हैंगर में हम इस वक्त हैं, वहाँ फ्लाइट शटल खड़ी हुई है, और हम उस तरफ जाने की तैयारी कर रहे हैं। मिस्टर सुहेल प्लीज मुझे वो करें, रिकॉर्डिंग पे देख सकते हैं। आप ये देख रहे हैं, लोग आ रहे हैं इस वक्त में, जेम्स स्पेस सेंटर में हूँ, और यहाँ हमारे पीछे फ्लाई शटल है, हमारे पीछे फ्लाई शटल है, हम इस तरफ इसके अंदर दाखिल हो रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर बहुत कुछ दिखाने की कोशिश करूँगा, और ये म्यूजियम बड़ा हैरत कदा है, यहाँ पे बड़े बड़े क्या कहते हैं जहाज और स्पेसशिप उन्होंने यहाँ पे लाके प्रिजर्व कर दिए, जिसमें सेकंड वर्ल्ड वॉर के जहाज भी हैं, और क्या नाम है, पैसेंजर्स, तो बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी और मैं आपको दिखाता चलूँगा। थैंक यू वेरी मच। तो अंदर दिया, देखिए पूरा उन्होंने किया होगा, रेड है। इस वक्त हम स्मिथसोनियन एयर स्पेस और अली साहब की समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। एनीवे मैं बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, आज समझ में नहीं आ रहा क्या चीज देखें और क्या चीज़?